हे व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं हमारे सच्चे डर का सामना। इस वीडियो में हम कुछ ऐसी फुटेजेस देखने वाले हैं जहां पर यह दावा किया गया है कि इन फुटेजेस में जो आप देख रहे हैं वो कोई असली भूत है। ये वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैं आशा करता हूं और दावा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएंगी। तो चलिए करते हैं इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। ये वीडियो डेनी फैंटम ने अपलोड किया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर यह जो लड़की लेटी हुई है, इसके शरीर में किसी बुरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है और यहाँ पर पादरी कुछ मंत्रों का उच्चारण करके इस आत्मा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो अंडे रखे हुए हैं। एक अंडा जब फोड़ा जाता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल निकलता है और दूसरे अंडे को उस लड़की के शरीर पर रगड़कर जब फोड़ते हैं तो उसमें से काले कलर का एक पदार्थ निकलता है और फिर उस लड़की को उठाकर बैठाया जाता है। तब उसकी आंखें पूरी काली नजर आती हैं। उसके बाद उसे ये लिक्विड पीने को दिया जाता है। जब वो ये लिक्विड पीती है तो उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है। ये पूरा वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, इसके आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज तक आपने सिर्फ सुना ही होगा कि फरिश्ते होते हैं। इस वीडियो में हम आपको रियल फरिश्ता यानी कि एंजल दिखाने वाले हैं। वीडियो आया है तुर्की से। आप देख रहे हैं एक आदमी अपनी दुकान में से बाहर निकला, पीछे से एक और आदमी आता है, वो उसके कंधे पर टच करता है और वो जैसे ही पीछे पलटता है ट्रक से निकली हुई एक बड़ी सी रेलिंग उसकी तरफ आती है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि जो पीछे से आदमी आया था और उसने उसके शोल्डर पर टच किया और उसे बताया तो उसकी वजह से वो बच गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आदमी कौन था और इसे कैसे पता था कि ट्रक के पीछे कोई रेलिंग निकली हुई है और ट्रक इधर टर्न लेकर आएगा और ये इसी मोमेंट पर आकर इससे आदमी से टकरा सकती है। क्या ये कोई रियल फरिश्ता या एंजल था? ये वीडियो बहुत ज्यादा रहस्यमय है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है द जी टीम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने। ये खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। ये बताते हैं कि इनका एक दोस्त है जिसका नाम उमर है, उसके घर में ये गुड़िया थी जो कि हॉन्टेड मानी जाती है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं इसे अपने घर पर लेकर जाता हूँ और इसके साथ में मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ। तब ये कैमरा लगाकर इस गुड़िया के सामने कुछ बातें कर रहे थे। वो बताते हैं कि उस वक्त मेरे रूम में बहुत निगेटिव एनर्जी मुझे फील हो रही थी, लेकिन वो गुड़िया से बातें करना कंटिन्यू रखते हैं और अपना शूट भी जारी रखते हैं। तभी एक मूवमेंट ऐसा आता है जहाँ पर उनकी किसी बात पर गुड़िया अपनी गर्दन हिला देती है। Because I don't want to keep her, but I'd like her to go to a good home. I mean, if there's somebody out there that's interested, I don't. Did that thing just move? जो आपने देखा मैंने भी वही देखा। जी हाँ, गुड़िया ने उसकी बात पर गर्दन हिलाई और वो हैरान भी रह गया। बट क्या आप एग्री करते हैं कि कोई आत्मा किसी गुड़िया के अंदर प्रवेश कर सकती है? क्योंकि अक्सर हम ये भी देखते हैं कि काले जादू में गुड़ियाओं का बहुत ज्यादा यूज होता है। आपने साए का नाम जरूर सुना होगा। साए का मतलब होता है परछाई। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक लड़की चढ़ाव से नीचे उतरती है और यह सारा फुटेज एक सीसीटीवी ने कैप्चर किया है। वो तेज स्पीड में नीचे की तरफ जा रही होती है, लेकिन अचानक से एक परछाई उसके सामने आ जाती है जिसे देखकर वो वापस पलटकर तेजी से पीछे भागती है और वो फिर परछाई भी उसी के पीछे चली जाती है जो हमें राइट हैंड साइड वाली दीवार पर नजर आ रही है। शायद परछाई ऐसी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को डराती है, क्योंकि अक्सर रात में हाईवे पर लोगों को इस टाइप की परछाइयां नजर आती हैं। अगर आपका सामना भी इसी टाइप की किसी परछाई से अपनी रियल लाइफ में हुआ है तो आप कमेंट में जरूर इसे शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। ये फुटेज शेडो हस्की ने रेडिट पर अपलोड किया था। वो बताते हैं कि जब वो अपने रूम में सो रहे थे तो उन्हें ये फील हुआ कि उनके पेरेंट्स के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जबकि पेरेंट्स घर पर ही नहीं थे। उसने डिसाइड किया कि उसे अपने पेरेंट्स के रूम में जाकर चेक करना चाहिए और ये हादसा वो अपने कैमरा में कैप्चर भी कर रहा था। तो वो अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है
और फिर वहां पर एक दरवाजा नजर आ रहा है जिसमें एक अजीबोगरीब शेडो जैसा फिगर तेज स्पीड में निकल कर जाता है। एक्चुअल में ये ब्लर जैसा फिगर है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लड़का घबराया हुआ तो रहता है बट वो उससे बात करने की कोशिश भी करता है। Please make a noise. जब उस लड़के ने उससे बात करने की कोशिश की तो उस लड़के को ऐसा लगा कि मानो उसका मोबाइल कैमरा किसी ने पकड़कर खींचा हो। वो लड़का काफी घबरा जाता है, वो और आगे जाने की कोशिश नहीं करता और भागकर वापस अपने रूम में चले जाता है। वो लड़का बताता है कि जब तक मैं अपने पेरेंट्स के रूम में था मुझे किसी लेडी की आवाज भी महसूस हो रही थी जबकि वहां पर कोई था ही नहीं। ये वीडियो अपलोड किया है द पैरानॉर्मल फाइल्स ने। सुनसान और वीरान पड़े अस्पताल वाकई में बहुत ज्यादा डरावने होते हैं। ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम है जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लोग इस सुनसान और वीरान पड़े भूतिया अस्पताल को इन्वेस्टिगेट करेंगे। इस अस्पताल का इतिहास काफी पुराना रहा है। सन 1903 में पहली बार पहला पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुआ था और लगभग 1983 में इसे बंद कर दिया गया था। लोग बताते हैं कि यहाँ पर कई मरीज आया करते थे। कई बड़ी बड़ी कंपनीज का भी इस अस्पताल के साथ टाई अप था, उनके वर्कर्स भी यहाँ पर एज अ पेशेंट आया करते थे। लेकिन इस अस्पताल में बहुत मौतें भी हुई हैं और ये अस्पताल काफ़ी विवादों में भी रहा था जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया था। जब इसे बंद किया था उस टाइम तकरीबन 450 मरीज यहाँ पर एडमिट थे जिन्हें दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करवाया गया था। बहरहाल ये तो हो गया एक छोटा सा इतिहास। अब हम जो आपको दिखा रहे हैं ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की टीम यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल स्टार्ट करती है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ इनको तब सामने आती है जब इनका रिकॉर्डर एक आदमी की आवाज़ रिकॉर्ड करता है जो ये बोल रहा होता है गो बैक, यानी कि वापस चले जाओ। और थोड़ी देर बाद वापस से उसी की आवाज़ आती है और इस बार वो बोल रहा होता है कि मैं एक मर्द हूँ। और थोड़ी देर बाद एक औरत की आवाज़ रिकॉर्ड होती है, वो कहती है कि वो तुम पर हमला करने वाला है। और इसके अलावा भी उनका रिकॉर्डर कई अजीबोगरीब आवाज़ें रिकॉर्ड करता है। आप इनके चैनल पर जाकर इनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में पता लगा सकते हैं और ये आवाज़ें भी सुन सकते हैं। बाय द वे ये पूरा वीडियो 1 घंटे 5 मिनट का था जिसके दौरान कई ऐसी घटनाएँ घटी जो कि हिला देने वाली थी। क्या आप कभी ऐसी जगह पर जाकर इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा फुटेज है। हालांकि वीडियो की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब है लेकिन वीडियो अमेजिंग है। जैसा कि हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर एक बंदा खड़ा है, उसके पैरों के नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लग रहा है मानो ये पानी हो, लेकिन वो पानी नहीं है, वो कुछ और ही चीज है। थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले आदमी के ऊपर ऐसा लगता है मानो किसी भूत ने या किसी प्रेत ने हमला कर दिया हो। ये धुएं जैसी दिखने वाली चीज अचानक से उस आदमी को जकड़ लेती है। दूसरा आदमी उसकी हेल्प करने के लिए आगे तो बढ़ता है लेकिन वो अपनी जान बचाकर अंदर भाग जाता है और फिर कोई शक्ति इस आदमी को घसीट कर ले जाती है। जो शख्स अंदर गया था वो बाहर आकर हालात का जायजा लेने आता है और जो आदमी गायब हुआ था वो अचानक से किसी फोर्स से वापस दरवाजे के अंदर फेंका जाता है और उसके फौरन ही बाद एक काले कलर का कोट पहना हुआ आदमी बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये वीडियो वाकई में बहुत ज्यादा रहस्यमय है। अगर आप इसे डिकोड कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे सवाल खड़े करता है, जैसे कि वो क्या शक्ति थी, वो क्या ताकत थी जो उस आदमी को अपने साथ ही घसीट कर ले गई और फिर बाद में वो आदमी हवा में उड़ता हुआ दरवाजे के अंदर आता है। और फिर वो काला कोट पहना हुआ शख्स कौन था? क्या ये सारा किया धरा उसी का था? तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखे कुछ असली भूत, कुछ असली प्रेत और कुछ असली शैतान जिसने इस वीडियो को बना दिया बहुत ज्यादा डरावना। आशा करता हूं आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी करें।
तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।